सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। भारत सरकार चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को प्रेरित करती है और इस पे काफी संसाधनों का प्रयोग करते हुए भारी बजट खर्च किया जाता है। फिर भी भारत में वोटर टर्नआउट कम है। तो देखने में आया है कि बहुत सारे मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाते। इनमें से अधिकांश बुद्धिजीवी हैं जो अपने काम, नौकरी, रिसर्च, पढ़ाई इत्यादि की वजह से अपने गृह निर्वाचन स्थान से दूर रहते हैं और इलेक्शन वाले दिन घर पे आकर वोट नहीं डाल पाते। अगर इन सभी को उनके मौजूदा स्थान से ही वोट डालने की सुविधा मिल जाए तो यह देश हित में अहम योगदान होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक रिमोट वोटिंग मशीन बनाई गई है जिसका उपयोग करके इस तरह के वोटर्स मौजूदा स्थान से अपना वोट अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाल सकते हैं। वोटर के पास एक स्लिप होगा जिसपे क्यूआर कोड होगा। चुनावी अधिकारी इस कोड को स्कैन करेगा जिससे वोट की जानकारी वहां उपस्थित सभी को पब्लिक डिस्प्ले यूनिट पर दिखाई देगी और अनाउंसमेंट से सुनाई भी देगी। इस चुनाव अधिकारी मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर वोटर का बैलेट जारी करेगा जो कि मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी बैलेट यूनिट पर वोटर के गृह निर्वाचन के क्षेत्र के अनुसार दिखाई देगा। वोटर जो बटन दबाएगा उसके अनुसार कंटेस्टिंग कैंडिडेट के फेवर में वो वोट जुड़ जाएगा और साथ ही मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी वीवीपैट पर कुछ समय के लिए दिखाई देगा। आपको आरवीएम का वर्किंग मॉडल में वोट डाल के दिखाते हैं। टोटल बटन दबा करके टोटल वोट देखते हैं। टोटल वोट 0 है। नेक्स्ट वोटर को स्कैन करेंगे स्कैन बटन दबा के। यहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले यूनिट पर वोटर की इंफॉर्मेशन दिखाई दी और ऑटोमेटिकली वोटर का नाम और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सुनाई दी। बैलेट बटन दबा करके बैलेट जारी किया जाएगा। वोटर की फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग बैलेट पेपर दिखाई देगा डायनामिकली। जैसे यहाँ पे जो वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जयपुर है और यहाँ पे नोटा को इंक्लूड करके 11 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। वोटर के जिसने वोट डालना है अपने फेवर के कंटेस्टिंग कैंडिडेट के सामने वोटर बटन दबाए। कुछ समय के लिए एमवीवीपैट पर इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और चली जाएगी। ऐसे ही किसी और कंस्टिट्यूएंसी के लिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मशीन काम करे। यहाँ पे देखा कि जो डिटेल था वो वोटर पहले ही अपनी वोट डाल चुका है इसलिए वोट ऑलरेडी पोल्ड आया है। कोई और वोटर देखते हैं। अभी अभी पब्लिक डिस्प्ले यूनिट पर वोटर की इंफॉर्मेशन दिखाई दी और सुनाई भी दी। अब इस वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बैलेट जारी करते हैं। ये सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बैलेट जारी हुआ और वोटर जिसको अपना वोट डालना चाहता है उसके सामने का कैंडिडेट बटन प्रेस करते हैं। इसी तरह ये मशीन काम करेगी। तो ये लेआउट रहेगा पोलिंग स्टेशन का। चुनाव अधिकारी वोटर के पास जो स्लिप होगी उसके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। आगे अधिकारी फिंगरप्रिंट इंक लगाएंगे और अगले अधिकारी के द्वारा बैलेट जारी किया जाएगा। फिर वोटर अपना सीक्रेट वोट डाल के पोलिंग स्टेशन से चला जाएगा। ऐसी सुविधा मौजूदा ईवीएम में नहीं है। मौजूदा ईवीएम में बैलेट यूनिट पर पेपर बैलेट का प्रयोग होता है और ये ईवीएम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही उपयोग होते हैं। एग्जिस्टिंग ईवीएम के बैलेट यूनिट में पेपर स्लिप का उपयोग होता है लेकिन हमारे द्वारा प्रपोज आरवीएम में पेपर स्लिप की जगह बैलेट यूनिट में स्क्रीन डिस्प्ले पर डायनामिक बैलेट पेपर कुछ समय तक जब तक वोटर द्वारा वोट नहीं डाला जाता तब तक अपीयर रहता है और उसके बाद डिस्प्ले क्लियर हो जाता है जब वोटर अपना वोट डाल लेते हैं। और नेक्स्ट बैलेट यूनिट पर इस निर्वाचन क्षेत्र का बैलेट अपीयर होगा यह चुनाव अधिकारी द्वारा जारी बैलेट पर निर्भर करेगा। आइए अब हम बाकी बटनों के बारे में जानकारी बताते हैं। टोटल बटन का प्रयोग करके पोलिंग को किसी भी टाइम पोल्ड वोट का टोटल देख सकते हैं। चुनाव अधिकारी क्लोज बटन का प्रयोग करके वोटिंग को रोक सकते हैं। मतगणना के दिन रिजल्ट बटन का यूज करते हुए पब्लिक डिस्प्ले पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिजल्ट देखे जाएंगे। प्रिंट बटन का प्रयोग करके रिजल्ट को प्रिंट किया जा सकता है।
क्लियर बटन का प्रयोग कार्बियम में पोल्ड सभी वोट को क्लियर करने के लिए किया जाएगा। अगर कोई भी वोटर बैलेट इशू होने के बाद वोट नहीं डालना चाहता तो कैंसिल बटन के जरिए उसका बैलेट कैंसिल किया जा सकता है। ऐसी सुविधा मौजूदा ईवीएम में नहीं है। तो यह मशीन इस तरह से काम करेगी। आपको यह मशीन कैसी लगी इसके लिए मूल्यांकन फॉर्म में आप अपना निष्पक्ष फीडबैक अवश्य दें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आपका ये फीडबैक मेरे रिसर्च वर्क के मूल्यांकन में बहुत उपयोगी होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।